Fallopian tubes are the common passageway for egg and the sperm to make the fertilized egg. और जब ये फर्टिलाइज एग बन जाता है तो ये फेलोपियन ट्यूब्स इसको पुश कर देती हैं यूट्रस की तरफ, जहां वो इम्प्लांट होकर फर्दर ग्रो करता है. और हर वेमेन में दो फेलोपियन ट्यूब्स रहती हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में. बट कभी कभी किन्हीं कारणों से यदि ये ब्लॉक हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से, तो ये जो है नेचुरल कंसेप्शन में जो है वो एक हिंड्रेंस या बाधा क्रिएट करती हैं. आज मैं आपके सामने केस प्रेजेंट करने जा रही हूँ एक 36 ईयर्स ओल्ड वुमन जो मेरे पास जब आई तो शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड एंशियस बिकॉज हर फेलोपियन ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड. मैंने उसको एडवाइस किया कि आयुर्वेद के साथ हम फेलोपियन ट्यूब्स को भी ओपन कर सकते हैं और नेचुरल वे में कंसेप्शन को भी ईजी बना देते हैं. तो इस तरह से वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक पंचकर्म एंड उत्तरबस्ती. तो आई एम शेयरिंग द रिपोर्ट ऑफ हर ब्लॉक ट्यूब्स जो कि जून में उसने डायग्नोज कराया था. और आफ्टर द ट्रीटमेंट जब हमने उसको पंचकर्म दिया और उत्तर बस्ती के साइकिल्स दिए तो उसके बाद जो है वो ओपन हो गए एंड शी बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा शी नॉट ओनली एबल टू ओपन अप द ट्यूब्स बट हर हेल्थ इज ऑल्सो बिकम इन अ गुड मैनर. एनर्जी लेवल्स भी उसके अच्छे रहे एंड शी इज सो हैप्पी टू गेट ऑल दिस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 1.5 मंथ. सो बिलीव इन आयुर्वेदा एंड ट्रस्ट इन आयुर्वेदा.